हेलो माय ड्यू फैमिली। तो यार फ्री फायर ने यार अपनी गेम के अंदर एक नया रूल लाया है जिसमें आप सभी को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप 18 साल से कम एज के हैं। तो यार अगर आप यहां पर जो है 18 साल से कम एज के तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी आईडी बैन होगी या नहीं होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। हम में से बहुत सारे बंदों ने एक गलती की हुई, यहां पे 18 और अबाव यहां पे सिलेक्ट किया होगा, काफी सारे ने बिलो 18 भी सिलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा। तो यहां पे आप सभी को एक गलती बिल्कुल नहीं करनी वरना आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है। यहां पे आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है अगर आपने यहाँ पर जो है आप 18 साल के नहीं हो और आपने फिर भी 18 साल चूज किया है तो उसके बाद आपको क्या करना हो तुम्हारा भाई तुमको बता देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो मैं 18 साल प्लस हूँ तो मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे को कुछ भी नहीं ये मांगेगा, मतलब नंबर से यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं मांगेगा, नंबर ओटीपी कुछ भी मेरे से ये नहीं मांगेगा अगर मैं यहाँ पे 18 प्लस जो है। लेकिन जो बंदे यहाँ पे जो 18 प्लस नहीं है उनको जो है यहाँ पे बिलो 18 सिलेक्ट करना है तो उसके बाद क्या होगा वो भी मैं तुम सभी को बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी एक दूसरी आईडी में जाता हूँ वहाँ पे ये चीज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी मैं दूसरी आईडी में क्या और यहाँ पे बिलो 18 में करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं बिलो 18 करूँगा यहाँ पे मेरा एंटर मोबाइल नंबर मांगेगा जो कि आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हो, अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे सेंड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स के अकाउंट पे यहाँ पे जो है ओटीपी आएगा नंबर पे, तो वो नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो आपको फिल कर देना। तो यहाँ पे मैं जो है सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक ओटीपी देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो है ओटीपी अभी तक आया नहीं, देखते हैं नोटिफिकेशन में कब तक अपना ओटीपी आता है। वैसे जल्दी आ जाता है, एक मिनट के अंदर ही ये अपना ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पे जल्दी से जो अपना ओ टी पी इसको यहाँ पे जो है फिल कर देते हैं। तो यार जैसे मैं यहाँ पे जो अपना जो ओ टी पी यहाँ पे फिल करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल से कंफर्म कर देना और यहाँ पे अपना आईडी लॉगिन हो जाएगा, इसके बाद हमको उसे कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आपने गलती से सिलेक्ट किया जो आप 18 साल से छोटे हो लेकिन आपने 18 सिलेक्ट किया तो उसको चेंज कैसे करना सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आप सभी को प्रोटेक्शन ऑफ यहाँ पे जो भी लिखा है यहाँ पे ये, तो भाई यहाँ पे आप जो है चेंज कर सकते हैं इसको 30 दिन के बाद में। अभी आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे और काफ़ी सारे बंदे सोच रहे हैं हमारी आईडी सस्पेंड तो नहीं होगी, तो भाई आपकी आईडी सस्पेंड नहीं होने वाली है अगर आपको जो है नंबर से वेरिफिकेशन नहीं करना, 18 प्लस सिलेक्ट कर दो, गरीना वालों को कोई पता नहीं चलेगा तुम 18 साल के नहीं हो भाई। अगर तुम्हारी जो फेसबुक आईडी है वो तुम्हारे पेरेंट्स की फेसबुक आईडी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, तुम 18 प्लस सिलेक्ट करोगे तुम्हारी आईडी बैन नहीं होने वाली, टेंशन मत लो। सिलेक्ट कर लिया तो एक महीने बाद चेंज भी कर सकते हैं, वैसे आप अगर 18 प्लस सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। एक गवर्नमेंट की इसलिए जो कि यार हमको फॉलो करनी पड़ती है भाई, बस बाकी सिंपल कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जो है अपनी मर्जी से कर सकते हो, 18 प्लस कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, आपकी आईडी वगैरह बैन कुछ नहीं होगी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार जय हिंद दोस्तों।